तो रिपोर्टिंग आपको कॉलेज में ऑफलाइन कैसे करना है उसका भी हम बता दे रहे हैं। सिंपल आपको करना क्या है, एलपीयू में हमारा एक साल हो चुका है तो हमने जो जो एक्सपीरियंस किया है ना वो आपको बताते हैं। कौन सा आप कोडिंग पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स आ रहे हैं ना तो आपको उनको कहाँ स्टे करवाना है, और एक गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए, वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खैर उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि हमारे कॉलेज एलपीयू में एडमिशन ले चुके हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए हमारा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिलहाल बारिश बहुत तेज हो रहा है, आज सुबह से ही हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम इधर आए हैं मस्त घूमने। वेदर बहुत अच्छा है फिलहाल। देखो हम कहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे एक मस्त लोकेशन दिखा। हम ज्यादातर टाइम ना हम इसी पहाड़ पे आके बैठते हैं जब हमारा मन नहीं लगता था, जब हम घर पे रहते थे तो अभी बारिश हो रहा है तो फिर हम वहीं आए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो हमारे कॉलेज में एडमिशन या तो ले चुके हैं या फिर लेना चाहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आज हम आपको थोड़ा बताने वाले हैं कि हमारे कॉलेज में आने से पहले आप क्या कर लो सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक दो एडवाइस हम आपको इसमें देना चाहते हैं। एलपीयू में हमारा एक साल हो चुका है तो हमने जो जो एक्सपीरियंस किया है ना वो आपको बताते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ये उनके बारे में जो हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप क्या करो, आराम से जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है गूगल फॉर्म, उसे फिल कर दो। इससे क्या होगा, हमारे जो टीम है ना वो आपको आराम से गाइड कर देगा और आपका जो फीस कैसे कम करवा सकते हैं, जो सबसे कम फी होगा स्कॉलरशिप लगा के वो आपको कैसे मिलेगा, तो ये बात जो है हमारा टीम आपको बता देगा। आप नीचे गूगल फॉर्म है उसे फिल कर दो, वो सारा बात आपको बता देंगे। और अगर आप एलपीयू नेट का एग्जाम देते हो ना तो उसमें आपका फी जो है 50% कैसे कम हो जाएगा, वो रेफरल कोड भी आपको मिल जाएगा। आप जब नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे भर देते हो तो आपको वो रेफरल कोड भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे टीम के द्वारा। और उसके बाद एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी है और एक कॉलिंग नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हो। ये सब आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक रुपया भी नहीं देना इन सब चीज़ों के लिए। तो अब हम बात करते हैं जो एडमिशन ले चुके हैं उनके बारे में। अगर आप हमारे कॉलेज में आ रहे हो तो आपको रिपोर्टिंग कैसे करना है, आपको कौन सा लैंग्वेज पढ़ के आना है, या एक दो चीज़ें बेसिक बात आपको बता देते हैं। आप हमारे व्यूअर हो, अगर आप ये करके कॉलेज में आते हो ना तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। तो आपको हमारे कॉलेज में रिपोर्टिंग सिंपल ऐसे करना है ना कि आपका जो ऑनलाइन काम है वो सारा आप घर से कर दो। कॉलेज का नंबर है ही, हमने भी नीचे कॉलिंग नंबर दिया है, उस पर पूछ के आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो जो ऑनलाइन वाला वर्क है वो आप घर पे आराम से कर दो। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब काम जो है ना आप ऑनलाइन ही कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग के दिन ना बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, सुबह से शाम हो जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो तो इसका ये अच्छा होगा कि आप अगर घर पे हो तो ऑनलाइन ही करा दो। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आपको ये करना है कि जितना ऑनलाइन काम है वो तो आप कर ही दो, कि हमने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखा है आपके हेल्प के लिए, और कॉलेज का नंबर तो गूगल पे मिल ही जाएगा आपको। तो ऑनलाइन जितना काम है वो आप घर से कर दो, और इसके बाद जो नेक्स्ट काम आपका बचता है वो है रिपोर्टिंग का। तो रिपोर्टिंग आपको कॉलेज में ऑफलाइन कैसे करना है उसका भी हम बता दे रहे हैं। सिंपल आपको करना क्या है कि आपको ट्रेन या फ्लाइट जो भी आप पकड़ लो, अगर आप ट्रेन पकड़ते हो तो आप फगवारा स्टेशन पे उतर जाओ, वहाँ पे हमारा कॉलेज का बस लगा हुआ रहेगा आप लोगों के लिए। तो आपको वहाँ पे स्टेशन से बाहर निकलना है, आपको बड़ा बड़ा बस दिख जाएगा उसमें हमारे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, आप उसमें बैठ जाओ, वो आपको सीधा रिपोर्टिंग के पास उतार देंगे जहाँ पे रिपोर्टिंग होगा। वहाँ पे क्या है, आपका जितना भी ऑफलाइन काम है ना, मतलब अगर आप सब कुछ ऑनलाइन करके आओगे तो आपका वहाँ 2 से 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो मेन होता है, वो आप ऑनलाइन कर देना सब कुछ अपलोड, वो सबसे अच्छा होता है। अगर आप ऑनलाइन कर देते हो तो आपका एकदम टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट आपको वहाँ पे लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मैक्स टू मैक्स, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होता है। और आप वहाँ पे बैठे मत रहना, आप उनको बता देना कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो ऑनलाइन हो गया, आपको बस पेमेंट करना। अगर आपका पेमेंट भी क्लियर है तो आपको तो सीधा बाहर ही आप चले जाओगे, आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा। तो वहाँ 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा, उसके बाद सीधा आप चले जाओ हॉस्टल में अपना हॉस्टल देखने, या फिर पीजी जो भी आपको देखना है आप सीधा वहाँ पे चले जाओ, सामान अपना शिफ्ट कर दो। और एक काम और बचता है कि आपको अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स आ रहे हैं ना तो आपको उनको कहाँ स्टे करवाना है, तो वो हमारे कॉलेज में भी एक गेस्ट हाउस है, वो शायद अभी फुल हो चुका है। जिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन उसका बुकिंग कर लिया है ना पेरेंट्स को रुकने के लिए गेस्ट हाउस का, उनको तो मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं बुक किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं बुक किया तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, फगवारा 10 रुपये लेता है, बस वहाँ से आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारा होटल, या फिर लोगेट में भी चले जाओ, वहाँ भी बहुत सारा होटल है जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को रोक सकते हो। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि हमको बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं ना कि पेरेंट्स को लाना क्या जरूरी है रिपोर्टिंग के दिन, तो एकदम जरूरी नहीं है। मेरे भी पिछले वीडियो आप देख लो, मैं भी अकेले आया था, मतलब कोई पेरेंट्स नहीं थे मेरे साथ भी, रिपोर्टिंग हो जाएगा आपका, कोई मतलब मुश्किल नहीं है। अगर आप पेरेंट्स को नहीं भी लाते हो तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स नहीं भी लाते हो ना तो भी उतना डरने का बात नहीं है, आपका जो नेक्स्ट सेम में छुट्टी मिलेगा घर जाके आप उसको भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपका छूट जा रहा है वो आराम से आप नेक्स्ट छुट्टी में जो होता है ठंडियों की छुट्टी दिसंबर में आप उसमें जाके घर से ला सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर बात करें कि कौन सा आप कोडिंग पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में भाई पाइथन पढ़ाया गया था,
उससे पहले जो था सी पढ़ाया जाता था, लेकिन हमको पाइथन पढ़ाया गया था तो हम सी ही पढ़ के आए थे, तो हमें पाइथन पढ़ाया गया था। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, पाइथन भी पढ़ लो और सी भी, क्या पता आपको क्या पढ़ाया जाए। हमारे समय सिलेबस चेंज हो गया था तो हमें पाइथन पढ़ाया गया था, लेकिन हम घर से सी पढ़ कर आए थे। और इसका लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं कि एक गुड न्यूज़ है आपके लिए भी, मेरे लिए भी है। मेरा एक और चैनल था वो थोड़ा उस पर स्ट्राइक पड़ा था तो वो बंद हो गया था, लेकिन वो फिर से वापस आ गया। तो अभी जो मेरा ये चैनल है लाइफ फीड, अभी इस पर बस मेरा ब्लॉग आता है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो कॉलेज को लेकर डाउट पूछते हैं तो मैं उस पर वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि ये ब्लॉग वाला चैनल है ना। लेकिन अब जो मेरा एक मेन चैनल है तो वो चैनल जो है वापस आ चुका है, उसका अभी स्क्रीनशॉट देखो, उसका नाम अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आप क्या करो, अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है ना, कोई भी टॉपिक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मेरा नाम भी अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या फिर इसी वीडियो के कमेंट में आप मैसेज कर दो, दोनों में से कोई एक काम कर दो। तो इस चैनल पे मैं बस ब्लॉग डालता हूँ, आप ब्लॉग का एंजॉय लेते रहो। लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो आप सीधा क्या करो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो या फिर कमेंट करो, मैं उसी टॉपिक के ऊपर अपने सेकंड चैनल पे वीडियो लाऊंगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। और मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर बस 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी जाओ उस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर दो। उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरे सेकंड चैनल का। अगर आपको हमारे कॉलेज के अलावा अगर दूसरे कॉलेज के ऊपर भी रिव्यू या फिर प्लेसमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बस कमेंट या फिर मैसेज कर दो, दूसरे कॉलेज के ऊपर भी मैं वीडियो इसी चैनल पे लाता रहूंगा अपने सेकंड चैनल पे। अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन कराना है, नीचे जो नंबर है ना आप उस पे कॉल करके पूछ सकते हो। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पे आप कॉल करके पूछ लो, वो आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन कराने में आपकी हेल्प करवा देंगे। और वो एडमिशन कराने का आपसे एक रुपया भी चार्ज नहीं लेंगे। तो जल्दी जाओ, नीचे जो गूगल फॉर्म है उसे आप फिल कर दो। तो हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे तो सोचा एक वीडियो आपको ये बता दूं, इसके चलते मैं पूरा भींग गया। तो अब चलते हैं हम अपने दोस्त के रूम पे, तो वीडियो कहीं खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाओ हमारे सेकंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, 50K सब्सक्राइबर उसमें कंप्लीट होने वाले हैं तो उसे पूरा कर दो। और आपको कोई भी कॉलेज में अगर एडमिशन कराना है तो आप जल्दी से जाओ, नीचे जो नंबर है ना उस पे भी कॉल कर लो, तो आपका फ्री में हेल्प कर देंगे और किसी भी कॉलेज में वो आपका एडमिशन करवा देंगे। तो और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए जल्दी से मुझे मैसेज कर दो या फिर कमेंट में भी आप बता सकते हो। तो मेरा जो सेकंड चैनल है ना वो बस इसी के लिए कि आपको अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज या फिर कमेंट कर दो, उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा। तो वीडियो कहीं खत्म करते हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।